बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। शादी की खुशी मातम में बदली। सड़क दुर्घटना में लड़की के दो सगे चाचा की एक साथ मौत। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत घनेछा गांव के पूजा वाटिका के सामने NH2 पर एक तेज रफ्तार वाहन सड़क पार कर रहे दो लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा इसकी सूचना NHI एवं दुर्गावती पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गावती थाना अध्यक्ष संजय कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। NHI के एम्बुलेंस से दोनों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा दोनों लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया। मृतक कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के छोटका अमाव गांव निवासी योगेंद्र प्रताप सिंह पिता स्व वासुदेव सिंह उम्र 52 वर्ष बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरा श्री कृष्ण सिंह पिता स्व अमरनाथ सिंह उम्र 65 वर्ष, जिनका पैतृक गांव कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के छोटका अमाव है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पंकी में रहते थे। दोनों लोग अपनी भतीजी की शादी में सम्मिलित होने के लिए दुर्गावती थाना क्षेत्र के घनेछा गांव के पास पूजा वाटिका में आए हुए थे, जहां चाय पीने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देखिए, हमें फोन के माध्यम से पता चला, हम भी वहां पहुंचे और घटना देखे, पूरी तरह छत बिछत शरीर जो है रोड पर पड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पर। हम लोग पहुँचे वहाँ पर, पहुँचने के बाद जो है देखे तो हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन करके बुलवाया, और बुलवाने के बाद प्रशासन भी आ गए और एम्बुलेंस भी आया। हम लोग जो शरीर था, हम लोग दोनों लोग लगभग वहाँ देखे तो डेड कर गए थे। और जहाँ तक जानकारी परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि चांद थाना के छटका अमाव के रहने वाले लोग, और इस तरह से आए दिन घटना होते जा रहा है। हम लोग बड़ी इस पर खेद होता है कि इस तरह से घटना मैंने बार बार होते जा रहा है, वो भी इसी एरिया में। इतना होता है कि हम लोग परेशान हो गए हैं। हम लोग को भी नहीं समझ में आता है कि शासन प्रशासन की गलती है कि लोग की गलती है, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि आए दिन कुछ न कुछ लापरवाहियाँ होती है और जो है आए दिन किसी न किसी का घटना मृत्यु हो जाता है। हम लोग आग्रह करेंगे कि प्रशासन थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, क्योंकि अक्सर ये घटना जो है एक्सीडेंटल जोन के रूप में बन गया है। दुर्गावती से लेकर से और कर्मनाशा तक इतना एक्सीडेंट हो रहा है कि इसे कोई हद हिसाब नहीं है। आए दिन हर महीने 2-4-10 घटनाएं हो ही जाती है। किसी का बेटा का पिता से साथ छूट जाता है, किसी माँ बहन का भाई से साथ छूट जाता है। आज हम लोग को बड़ी दुख होता है कि इस तरह की घटनाएं, हम लोग तो समाजसेवी हैं, अक्सर हम लोग लगे रहते हैं कि कम से कम इस तरह के कोई भी अनजान हो तो भी हम लोग सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हम लोग इस तरह की घटना होती है। तो शासन प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा, कृपया इस पर ध्यान दें और अमल करें, भविष्य में इस तरह की घटना न हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मेरा राजेश श्याम साहनी, समाजसेवी दुर्गावती। पूजा में सही शादी पूजा रेस्टोरेंट माँ वाटिका में सड़क क्रॉस कर रहे थे, पीछे ट्रक मार गया। भाई हैं, चचेरे भाई कन्हैया से छुटका माँ। हाँ, अभी 10 मिनट पहले NHAI के एम्बुलेंस द्वारा दो लोग आए थे, उनकी जांच की गई, दोनों लोग डेड हैं। ये रोड पे हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, जिनका नाम, एक आदमी का नाम है योगेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे व्यक्ति का नाम है श्री किशन सिंह। किशन सिंह की उम्र 65 साल के करीब है, 65 साल है, और योगेंद्र प्रताप सिंह 52 साल है। और ये दोनों लोग जो है छोटका अमाव के रहने वाले थे, पुलिस स्टेशन इनका चांद लगता है। दोनों लोग देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर निकायल अंसारी,